हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, जिसका इंतजार बहुत से लोगों को था और बहुत से बच्चों को नहीं था, तो आखिरकार एग्जिट एग्जाम का सारी कायसे, सारी अटकलें खत्म करते हुए पीसीआई ने नवंबर में होने की उसकी डेट को घोषित कर दिया है, बाकायदा नोटिस दिया है। तो आओ उसका नोटिस देख लें कि क्या नोटिस है, जो नोटिस आया है पीसीआई की तरफ से क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से एक नोटिस आया हुआ है, पढ़ लें इसको, समझ लें। और जिन बच्चों के मन में वहम है, जो बच्चे इस साल पास आउट हुए हैं उनके लिए है, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे इसका मतलब उनके लिए 101% एग्जाम है, बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, तैयारी में लग जाएं जो बच्चे इस समय सेकंड ईयर में आए हैं। और जो बच्चे अब सेकंड ईयर पास आउट कर चुके हैं तो उनके लिए अब एग्जाम उनको देना होगा। तो देखो यहां पर क्या आ गया, 18 अगस्त का, ठीक है ना, 2022 का नोटिस पड़ा हुआ है। क्या कह रहा है नोटिस, ये सब्जेक्ट है एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डी फार्म कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022, ठीक है ना, जो रेगुलेशन आया था उसके तहत, ठीक है। क्या कह रहा है, सर मैडम विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, ये सब्जेक्ट ऊपर बोला गया है, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट, मैं स्टेट को डायरेक्शन देता हूं दैट 371st एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पीसीआई इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन, जो 371वीं मीटिंग हुई थी पीसीआई की 8/8/2022 को, उसने ये डिसाइड किया है। देखो कमेटी है बकायदा, जो बच्चे पहले बोल रहे थे कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो बच्चों देखो कोई भी चीज एक आदमी डिसाइड नहीं करता, बकायदा यहां पर कमेटी है जिसके अंदर कई सारे लोग होंगे और उन लोगों ने मिल करके ये चीज डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है। डेट द एग्जिट एग्जामिनेशन अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन जो 2022 का हुआ है मे बी हेल्ड इन नवंबर 2022, यानी कि अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि एग्जाम होगा तो मान के चलो नवंबर में हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ अगर तो दिसंबर में एग्जाम होना कंफर्म हो गया है। ये बात समझ में आ रही है, डिसीजन ले लिया जा चुका है 8 तारीख को। द अदर डिटेल्स लाइक डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन एटसेट्रा विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इस बीच में जो समय है इस बीच में आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। योर फेथफुली जो रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उनके साइन है यहां पर। तो बच्चों मैं जैसा कह रहा था कि एग्जिट एग्जामिनेशन को हल्के में ना लें, ठीक है ना। अब पता चलेगा जो फाइनल यहां पर डेट आ चुकी है, बच्चे जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे तैयारी में जुट जाएं, ठीक है, खासकर जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं और जो बच्चे फर्स्ट ईयर को पार करके आए हैं उनके लिए मैं एक हिदायत दूंगा यहां पर। और वो हिदायत क्या है, फर्स्ट ईयर में, वो मेरी पर्सनल हिदायत सुन लें पहले, जो बच्चे फर्स्ट ईयर पास आउट कर लें, फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट है केवल जो किसमें आएंगे, 3 सब्जेक्ट केवल वो हैं जो उसमें आएंगे, क्या कहते हैं आपके एग्जिट एग्जाम में, ठीक है ना, और 4 सब्जेक्ट सेकंड ईयर से आने। तो सेकंड ईयर तो अभी आप लोग करोगे, ठीक है ना, मेरे साथ साथ तैयारी करोगे, तो ये 3 सब्जेक्ट जो आने वाले हैं इनका रिवीजन करते रहें, इनका रिवीजन करते रहें साथ साथ में। और यहां पर जो 4 सब्जेक्ट है वो तो हम लेके चल ही रहे हैं साथ में, बात क्लियर हो गई है। तो अलर्ट रहें और तैयारी करें, ठीक है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कोई आर्गुमेंट किए तैयारी में जुट जाइए। ओके बच्चों, तो पढ़ाई शुरू कर दो, ऑल द बेस्ट।